हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टी के दीपक क्लासेस। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द माई चैनल। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो बच्चों, आते हैं टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास इलेवेंथ का, फिजिकल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड, राइट। इस फिजिकल वर्ल्ड में जो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा पॉइंट है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ये फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो फिजिक्स का कुछ प्रिंसिपल होता है, राइट। उस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग जो मशीन बनाते हैं, जो डिजाइन तैयार करते हैं, राइट, दैट इज द टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करने के लिए हम लोग जो मशीन बनाते हैं, है ना, जो डिजाइन तैयार करते हैं, क्लियर, वो हमारा कहलाता है टेक्नोलॉजी, राइट, समझ रहे हो। तो जैसे फिजिक्स, तो आपको फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करने के लिए हम लोग को कुछ डिवाइस तैयार करनी पड़ती है, कुछ मशीन में तैयार करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ डिजाइन तैयार करनी पड़ती है, किस शेप में, किस फॉर्म में रखनी चाहिए डिवाइस, ताकि उस एनर्जी को हम अच्छे, उस प्रिंसिपल को हम यूज कर सके और उस प्रिंसिपल को यूज करके हम अपने लाइफ को इजी कर सके, राइट। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी है, क्लियर, आए सुन। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो फिजिक्स में जो प्रिंसिपल है, बहुत सारा प्रिंसिपल है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल, डिजिटल लॉजिक प्रिंसिपल, लाइट एम्प्लीफिकेशन प्रिंसिपल, सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड न्यूटन्स लॉ प्रिंसिपल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। तो मेनी टाइप्स ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल, राइट, इन ए फिजिक्स, राइट। और इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग जो डिवाइस तैयार करते हैं, जो मशीन तैयार करते हैं इस प्रिंसिपल को यूज करने के लिए, वो मशीन हमारा कहलाता है टेक्नोलॉजी, क्लियर, आई समझ। जैसे किसी इंजन, यानी कि कार, मोटरसाइकिल, बाइक, जो भी हो, ट्रेन, है ना, इस सब को चलाने के लिए हमको एक इंजन की जरूरत पड़ती है, राइट, समझ में। तो वो जो इंजन हम तैयार करते हैं उसमें जो हम उस इंजन में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो हमारा होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल, हीट। तो किसी भी इंजन को चलाने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, राइट, समझ में बात। और उस हीट को यूज करने के लिए, है ना जी, उसके लिए कुछ मशीनें तैयार करनी पड़ती है जिसको हम इंजन कहते हैं, राइट। तो कार को चलाने के लिए जो हम मशीनें तैयार किए जिसको हम इंजन कहते हैं, दैट इज द टेक्नोलॉजी। और उस इंजन में हम लोग किस प्रिंसिपल को यूज करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल को यूज करेंगे। और ये थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल क्या है, तो फिजिक्स का प्रिंसिपल है, राइट, समझ रहे। तो ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है थर्मोडायनेमिक, जो हीट प्रोड्यूस करता है, राइट। और इस हीट को हम लोग कार में एक मशीन तैयार किया होता है जिसको हम इंजन कहते हैं, वहां पे यूज करते हैं, क्लियर। तो इंजन क्या है, दैट इज अ टेक्नोलॉजी, राइट। तो आज से पहले हमारे कंट्री में कौन सी इंजन चलते थे, स्टीम इंजन, कार्नोट इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन। इंजन कोई भी हो, सब में हीट चाहिए, चाहे स्टीम हो, चाहे कार्नोट इंजन हो, चाहे इलेक्ट्रिक इंजन हो। आज के डेट में हम लोग कार्नोट और इलेक्ट्रिक इंजन यूज करते हैं, स्टीम इंजन यूज आज के डेट में नहीं करते, क्लियर। तो स्टीम इंजन की बात करते हैं, इसमें थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। तो देखो, किसी भी इंजन को चलाने के लिए हीट चाहिए, लेकिन हीट के साथ कूलिंग भी चाहिए। अगर मान लो किसी इंजन को केवल हीट ही दो तो इंजन गर्म हो जाएगी, लास्ट में वो इंजन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। कुछ दूर तक कार ही चलेगी, फिर कार क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो किसी भी इंजन को काम करने के लिए हीट भी चाहिए और कूलिंग भी चाहिए, और ये दोनों प्रिंसिपल दे सकता है कौन, थर्मोडायनेमिक्स। और ये प्रिंसिपल किस मशीन में यूज होगा, तो इंजन में यूज होगा, जो हम तैयार किए हैं इंजन, किसके लिए, कार को चलाने के लिए, तो दैट इज द टेक्नोलॉजी। तो इंजन इज द टेक्नोलॉजी टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, क्लियर। होता क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में हीट भी रहता है, हीटिंग भी रहता है, कूलिंग भी होता है, मतलब हाई टेम्परेचर भी होता है, लो टेम्परेचर भी होता है, राइट।
जैसे स्टीम इंजन की बात करें, ये वर्क कैसे करता है सुनिए ध्यान से। कोल, कोल जलाते हैं, कोल से हम वाटर को, कोल जला के वाटर को गर्म करते हैं, बॉइल करते हैं, तो उससे क्या निकलता है, स्टीम निकलता है सिंपल सा। और वो जो स्टीम होता है वो हीट होता है, हीट होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है वो स्टीम, राइट। और इंजन में ऐसा हम लोग इंजन तैयार करते हैं कि अगर वहां पे स्टीम जाए तो या स्मोक जाए तो वो फैले, राइट। तो होता क्या है, इंजन में एक पिस्टन लगा रहता है, समझ मेरी बात। तो जैसे बॉइल करते हैं वाटर को तो स्टीम निकलता है, और वो स्टीम जो क्या करता है, उस पिस्टन, वहां पे एक पिस्टन लगी रहती है, वो पिस्टन को पुश करता है। जैसे पिस्टन को पुश करता है कार आगे चलना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो इंजन में क्या लगा रहता है, पिस्टन लगा रहता है, राइट। जब वाटर को बॉइल करते हैं स्टीम बनता है, तो वो स्टीम उस पिस्टन को पुश करता है, और उस पिस्टन को पुश होने के कारण कार आगे की ओर मूव करता है। क्लियर, समझ मेरी बात। स्टीम हमारा है हीट, लेकिन वहां चाहिए कूलिंग। तो कूलिंग करने के लिए वाटर को हम रिसाइकलिंग करते हैं, जो वाटर गर्म हो गया, राइट, समझ रहे, उसको फिर हम रिसाइकिल करके लाते हैं ठंडी जगह, फिर वहां से फिर वाटर वहां जाता है गर्म होने के लिए। तो वाटर को रिसाइकलिंग कर देते हैं, जो हॉट वाटर होता है उसको निकाल लेते हैं, फिर उस वाटर को क्या कर देते हैं, कूलिंग कर लेते हैं, फिर वही वाटर को गर्म करते हैं। तो एक बार हीटिंग, एक बार कूलिंग, वो कंटिन्यूसली होता है, हीटिंग भी एक साथ होता है, कूलिंग भी एक साथ होता है, राइट, समझ में। तो अगर आपके गांव घर में, अगर आप विलेज के हो, तो जहां मशीनें चलती हैं, आटा चक्की मिल जो देखता है, जहां आटा पिसाता है, राइट, समझ रही बात। तो वहां देखे होंगे कि मशीन में दो पानी आता है, एक पानी क्या होता है, अंदर से जाता है कूलिंग, और ऊपर से आता है हीटिंग पानी, है ना। तो इंजन को चलाने के लिए हीट भी चाहिए और कूलिंग भी चाहिए, इसलिए एक साइड से कूलिंग वाटर भेजते हैं और दूसरे साइड से हीट वाटर आता है, राइट। तो ऐसे ही होता है स्टीम इंजन में। क्लियर। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन जो पेट्रोल डीजल, आज के डेट में हम लोग जो पेट्रोल डीजल से बाइक, कार, मोटरसाइकिल, जो भी हो, स्कूटी वगैरह चला रहे हैं, है ना, ट्रेन वगैरह वगैरह, राइट, बस, क्लियर। तो वो कार्नोट इंजन होता है, उसमें क्या होता है, पेट्रोल डीजल हम लोग यूज करते हैं, केरोसिन भी यूज करता है कितने लोग, राइट, समझ रहे हैं। तो वो पेट्रोल डीजल, जैसे पेट्रोल हम इंजन में डालते हैं तो पेट्रोल जलती है, और जलने के बाद थोड़ा सा पेट्रोल जलती है और ज्यादा, बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है, बहुत ज्यादा स्टीम निकलता है, राइट, धुआं जिसको बोलते हैं, राइट। तो जैसे पेट्रोल जलती है कार्नोट इंजन में, राइट, तो वो धुआं निकलता है, और वो धुआं बहुत हीट होता है, राइट, हीट तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कूलिंग भी चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स कहता है, हीट भी चाहिए और कूलिंग भी चाहिए, तभी इंजन काम करेगा, नहीं तो इंजन ब्लास्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसी पेट्रोल जलती है इंजन में, थोड़ा सा पेट्रोल जलता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में स्टीम निकलता है, राइट, जिसको स्मोक कहते हैं, राइट। और वो स्मोक क्या करता है, पिस्टन को पुश करता है, वही काम, फिर से पिस्टन को पुश किया, कार आगे बढ़ना स्टार्ट कर दी, राइट। लेकिन जब वो स्टीम पिस्टन को यूज कर फोर्स लगा देता है, तो फिर वो स्टीम बैकअप आता है, जैसी बैकअप आता है उसको हम साइलेंसर की मदद से बाहर निकाल देते हैं, और वो कहां चला जाता है, एयर क्या है, कूल, राइट। तो यही है, तो जो भी हमारा इंजन काम करता है वो थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल पे काम करता है। थर्मोडायनेमिक्स में एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर, दोनों कॉम्बिनेशन होगा तभी इंजन अच्छे से वर्क करेगा। क्लियर। तो बाइक में हम पेट्रोल डालते हैं तो इंजन में, तो इंजन क्या होता है, उस पेट्रोल को थोड़ा सा भी इंजन में, जब पेट्रोल जलती है तो स्मोक निकलती है, यानी कि स्टीम निकलती है, वो स्टीम पिस्टन को पुश करता है, गाड़ी आगे चलती है, फिर वो स्मोक साइलेंसर के मदद से बाहर निकल जाता है, कहां, तो ठंडी एरिया में। ठीक है। तो इससे हमारा जो इंजन होता है, हीटिंग भी हो जाता है और कूलिंग भी हो जाता है, समझ मेरी बात, जिसके कारण हम बहुत देर इंजन को क्या कहते हैं, इस कारण से हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक रनिंग कर लेते हैं। क्लियर। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल, दिस इज ए फिजिक्स प्रिंसिपल, दिस इज ए टेक्नोलॉजी। इंजन क्या है, टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक मशीन है जिसको हम मैन्युफैक्चर किए हैं, जहां पे हम थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल को यूज करते हैं। क्लियर। इसको यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, राइट। क्लास 10th में आप स्टडी किए होंगे, है ना, रिसोर्स ऑफ एनर्जी में, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन।
फ्यूजन मतलब जुटना, फिजन मतलब टूटना, राइट। तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल क्या है फिजिक्स में कि एक बिगर न्यूक्लियाई होता है, उसको किसी के मदद से उसको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है, और उसके साथ साथ कुछ एनर्जी इमिट होता है, और वो एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, जिसको हम आज के डेट में जनरल लाइफ में यूज कर रहे हैं, है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाया गया है, दैट इज द न्यूक्लियर फिजन, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिगर न्यूक्लियाई ब्रेक करके स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होती है, उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट में कुछ एनर्जी इमिट करती है, समझ मेरी बात। उस एनर्जी को हम लोग आज के डेट में जनरल लाइफ में यूज करते हैं, समझ मेरी। लेकिन न्यूक्लियर को तोड़ा कहां जाए, एनर्जी तो जनरेट होगी, हमको ये पता है कि न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी इमिट होती है जब न्यूक्लियस ब्रेक करती है, लेकिन इसको यूज कहां करें, ब्रेक कहां करें न्यूक्लियस को। तो उसके लिए हमने एक डिवाइस तैयार किया जिसको हम टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं ना, तो हमने एक डिवाइस ऐसा तैयार किया जिसके अंदर न्यूक्लियस ब्रेक होगी, और ब्रेक होने के बाद स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होगी, और उसके साथ साथ एनर्जी इमिट होगी, और उस एनर्जी को हम बाहर निकाल लेंगे और अपने जनरल लाइफ में यूज कर लेंगे। तो बताओ उस डिवाइस का नाम क्या है, तो उस डिवाइस का नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम कौन सी प्रिंसिपल को यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजन, और न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल को यूज करके इस न्यूक्लियर रिएक्टर से हम एनर्जी एमिट करते हैं और हम अपने जनरल लाइफ में उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, टेक्नोलॉजी, दैट इज डिवाइस, जहां न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल होता है, क्लियर। इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल लॉजिक। कंप्यूटर जो है सिंपल भाषा नहीं समझता है, आप बोलेगा कि जैसे हम वहां पे टाइप करते हैं आर ए एम राम, तो वहां पे राम लिखा जाता है, एक्चुअली कंप्यूटर जो है वो आर ए एम नहीं समझता है, वो समझता है लॉजिक को, समझ मेरी बात। आप बोल देंगे आर ए एम राम, उसको कंप्यूटर कभी नहीं समझेगा, है ना। राम भले ही लिख के आ जाता है कंप्यूटर में, लेकिन वो एक लॉजिक होता है जिससे वो समझता है कि यहां पे क्या लिखा जा रहा है राम, वो प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्राम किया जाता है उसको, राइट। तो कंप्यूटर में हम आसानी से जाते हैं, है ना, लिख देते हैं आर ए एम राम, तो राम लिखा जाता है, मोहन एम ओ एच एन मोहन लिखा जाता है। लेकिन उसके बारे में सोचा, कंप्यूटर क्या राम को समझता है, नहीं, मोहन को समझता है, आंसर है नो, कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है लॉजिक को, राइट, समझ मेरी बात। तो वो कौन सा लॉजिक है, डिजिटल लॉजिक। तो डिजिटल लॉजिक इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, और इस प्रिंसिपल को यूज करके हमने क्या तैयार किया, कंप्यूटर, दिस इज डिवाइस, दिस इज टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इज द टेक्नोलॉजी, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डिजिटल लॉजिक, राइट। तो डिजिटल लॉजिक हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में, और इसको आप डिजिटल लॉजिक को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे जब आप इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, तब वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब होता है सिंपल सा, किसी वो कंडक्टर में करंट पास करो तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेट बनता है, क्लास 10th में स्टडी किए हैं, समझ में। तो सुपर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर किसी वायर से हमको मैग्नेट फॉर्मेट करना है तो वायर में करंट पास कर दो, सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल, है ना। तो हमको पता है सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल कि अगर किसी वायर में करंट पास होती है तो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर जाता है, राइट, दिस इज सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। हाँ, यहां पे बोल सकते हैं कि मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट, मैग्नेट को हम बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, मैग्नेट कंजर्व नहीं होता है, समझ में आ रही बात। तो सुपर कंडक्टिविटी मेथड से, है ना, इस प्रिंसिपल को यूज करके हम मैग्नेट बना सकते हैं, और मैग्नेट बनाने के लिए कुछ डिवाइस चाहिए, तो वो डिवाइस का नाम है मैग्नेटिक लेविएशन, दैट इज द टेक्नोलॉजी, क्लियर। नेक्स्ट है बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज प्रिंसिपल का कहना था कि वेलोसिटी, किसी एयर का वेलोसिटी या किसी फ्लो की वेलोसिटी, है ना, वाटर फ्लो की वेलोसिटी या फिर एयर की वेलोसिटी, है ना, एयर की वेलोसिटी या फिर वाटर की वेलोसिटी को क्या करो, या लिक्विड की वेलोसिटी या फिर एयर की वेलोसिटी, गैस जिसको बोलते हैं, राइट, तो किसी गैस की वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट करो तो प्रेशर डिफरेंस होगा, या किसी लिक्विड के
लिक्विड में वेलोसिटी का डिफरेंस करो तो प्रेशर डिफरेंस होगा, और इस प्रिंसिपल को यूज करके क्या बन गया एरोप्लेन। आज हम जाते हैं ना, लंदन चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं, है ना जी, यहां मुंबई में बैठे और लंदन पहुंच गए बाय फ्लाइट एरोप्लेन, है ना। लेकिन इस एरोप्लेन को बनाया कैसे गया, ये प्रिंसिपल का एरोप्लेन का जो प्रिंसिपल काम करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, फिजिक्स का प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल को यूज करके एरोप्लेन बनाया गया। इसीलिए एरोप्लेन का डिजाइन कैसे होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, किस तरह एरोप्लेन का फॉर्मेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसे। तो देखो, एरोप्लेन जब भी बनती है तो एरोप्लेन का ये पार्ट, ऊपर का पार्ट ऐसे होता है राइट, और नीचे का पार्ट थोड़ा फ्लैट होता है राइट। तो ये पार्ट को फ्लैट रखते हैं और ये पार्ट को थोड़ा कॉर्नर रखते हैं। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी अपनाया गया है ना, ऐसे करेंगे तो हमको क्या होगा, अभी देखो क्या होगा राइट। तो एरोप्लेन का जो आउटर पार्ट होता है इस शेप में बनाया जाता है और नीचे का पार्ट थोड़ा फ्लैट रखता है, क्लियर, ऐसा होता है एरोप्लेन, क्लियर। तो आगे का भाग इस तरह क्यों रखा गया, ये टेक्नोलॉजी है जी, कि ऐसे रखेंगे तब ऐसा होगा और तब एरोप्लेन ऐसे उड़ेगा, है ना। देखो क्या होता है कि इस तरह का शेप रखने से एरोप्लेन का आगे का फायदा ये होता है कि जब यहां एयर आती है, इधर से एयर आती है तो इस सरफेस से एयर काफी हाई स्पीड से जाती है, समझ रहे। तो यहां से एयर आई, इस सरफेस से एयर का जो स्पीड होता है बहुत हाई होता है, और स्पीड अगर हाई होगा एयर का तो यहां पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है, समझ रहे। यहां से एयर गया और एयर की स्पीड हाई हो गई, जिसके कारण इस पोर्शन पे यानी अपर सरफेस पे, एरोप्लेन के अपर सरफेस पे प्रेशर कम हो जाता है, क्लियर। और नीचे से जो एयर जाती है वो एयर की स्पीड कम होती है और नीचे का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो नीचे का प्रेशर ज्यादा, ऊपर का प्रेशर कम, तो एरोप्लेन उड़ेगा नहीं जी, उड़ेगा ना। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कौन, एरोप्लेन। इसीलिए एरोप्लेन का शेप इस तरह से बनाया गया, दैट इज द टेक्नोलॉजी, समझे। तो प्रेशर डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब वेलोसिटी डिफरेंस, ऊपर का वेलोसिटी ज्यादा, नीचे का वेलोसिटी कम, ऊपर का प्रेशर कम, नीचे का प्रेशर ज्यादा, नीचे का प्रेशर ज्यादा, ऊपर का कम, जिससे कारण एरोप्लेन ऊपर उड़ा और उड़ने के बाद लंदन पेरिस जहां जाना है चला गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ, रॉकेट प्रोपेलर, रॉकेट जो हम भेजते हैं राइट। तो रॉकेट भेजने के लिए है ना जी, तो रॉकेट कितने की स्पीड से जाएगी, कितना फ्यूल डालना पड़ेगा, कितना फोर्स लगेगा रॉकेट में कि इतनी डिस्टेंस वो कवर कर जाएगी, न्यूटन्स लॉ बताता है हमको कि इतने कैसलेशन से जाओगे और इतने वेलोसिटी से अगर तुम इन्हें सेट करोगे तो इतने टाइम में इतनी दूर चले जाओगे, समझ बात। तो न्यूटन्स लॉ हमको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूर जा सकती है, कितने एक्सेलरेशन से जा सकती है, कितना उस पर फोर्स लगाए कि बॉडी इतनी दूर चली जाए, है ना। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है रॉकेट प्रोपल्शन, कि कितना रॉकेट पे फोर्स लगाए कि इतनी रॉकेट इतनी डिस्टेंस कवर कर ले, तो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, न्यूटन्स लॉ। लास्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई रे, क्लियर, डेंसर मीडियम में आती है और फिर उसी मीडियम से क्या होता है, रिटर्न आ जाता है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जितना अमाउंट में एनर्जी आई लाइट की उतनी अमाउंट में एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हम लोग क्लास 10th में स्टडी किए हैं, क्लास 12th में स्टडी करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट एनर्जी जितने अमाउंट से आती है उतने अमाउंट से रिटर्न चली जाती है ना, यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए हमको इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जितना आया उतना गया। और इस प्रिंसिपल को यूज करके आज के डेट में हम लोग कम्युनिकेशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज टेक्नोलॉजी। तो ऑप्टिकल फाइबर एक टेक्नोलॉजी है जो हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आज के डेट में यूज करते हैं, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो ये था हमारा फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, और एक दो पॉइंट है यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, और दो प्रिंसिपल बच गया था, ऐसे मेनी टाइप ऑफ प्रिंसिपल है, बस और दो 10 हम बताना चाह रहे थे। तो 9th है, 8th तक हम डिस्कस कर लिए। 9th है चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड हो और वहां पे किसी चार्ज को रख दो, है ना, तो वो चार्ज क्या होता है, कुछ टाइम के बाद एक्सेलरेटेड हो जाता है,
है ना, समझ बात। तो अगर किसी चार्ज को आइसोलेटेड करना हो तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, फिजिक्स के प्रिंसिपल पे। और फिजिक्स का प्रिंसिपल क्या होता है, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इफ एनी चार्ज पार्टिकल कैप्ट इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक चार्ज इज आइसोलेटेड, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। तो आइसोलेटेड करने के लिए हम लोग कुछ डिवाइस तैयार करते हैं, है ना जी, उसका नाम है साइक्लोट्रॉन, राइट। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जहां पे हम चार्ज को एक्सेलरेट कर सकते हैं, चार्ज को हम हाई स्पीड दे सकते हैं, राइट। इससे फायदा क्या होगा जी, इसका फायदा है, अभी कुछ साल पहले, ज्यादा नहीं, एक 3-4 साल पहले की बात है, है ना। हम जानते हैं कि सन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो हमको पता है कि वहां 2 हाइड्रोजन मिलती है और हीलियम बनाती है, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी हाई अमाउंट में इमिट होता है, जो आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सोचो 2 हाइड्रोजन मिलकर इतना एनर्जी देता है, अगर वो काम हम इंडिया, अगर वो काम को हम जनरल लाइफ में यूज कर ले, तो जनरल लाइफ में वो काम अगर कर दे, 2 हाइड्रोजन को टकरा दे, 2 हाइड्रोजन को कंबाइन कर दे, तो हमको एनर्जी के लिए कभी रोना पड़ेगा, कभी पावर प्लांट बैठाना पड़ेगा नहीं, राइट। तो इस चीज को सोचते हुए, है ना, उसने क्या किया, हाइड्रोजन को टकराया, 2 हाइड्रोजन को टकराना चाहा, एक ट्यूब में, एक ट्यूब लिया, उसमें 2 हाइड्रोजन को टकराना चाहा। तो 2 हाइड्रोजन को टकराने के लिए लाइट की स्पीड चाहिए, क्योंकि वहां पे जो हाइड्रोजन टकराती है वो लाइट की स्पीड में टकराती है, जिसके लार्ज अमाउंट में एनर्जी इमिट हुआ है, राइट। तो हमको लाइट एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमको हाइड्रोजन को लाइट के स्पीड से भगाना होगा। अब लाइट का स्पीड, हाइड्रोजन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, राइट। तो वो चार्ज पार्टिकल है और उसको हाई स्पीड चाहिए, कैसे देंगे हाई स्पीड, तो उसके लिए साइक्लोट्रॉन यूज करेंगे, राइट। तो हालांकि वो एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेस नहीं हुआ, बट उसकी जो स्पीड लाइट के स्पीड में लाया गया था, एक हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन का जो स्पीड है, बढ़ा के कितना कर दिया लाइट के स्पीड में, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज किया था वो साइक्लोट्रॉन था, राइट। जहां पे चार्ज को एक्सेलरेटेड किया गया था, जहां हाइड्रोजन को लाइट के वेलोसिटी तक क्या किया था, एक्सेलरेट किया था। समझ में आ रही बात, कितनी स्पीड होगी हाइड्रोजन की, राइट। तो चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो जाते हैं, इसलिए यहां पे लिखा है पार्टिकल एक्सेलरेटेड, क्लियर। लास्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, फोटो मतलब लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी का बनना, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट से इलेक्ट्रिक सिटी, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी का बनना, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। और ये हमको दिखता है सोलर प्लेट, सबसे बेस्ट एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोलर प्लेट। सोलर प्लेट क्या करता है, लाइट आती है सोलर प्लेट पे, पड़ती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझिएगा। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट लाइट से इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट दिखना, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर। तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है, जब दो टर्मिनल क्रिएट होती है, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का जो टर्मिनल होता है इसको क्या बोलते हैं, सेल। तो ये सेल बना किससे, तो लाइट से बना, तो इस सेल का नाम क्या है, तो फोटो सेल, राइट। तो फोटो मतलब लाइट, सेल मतलब दो टर्मिनल, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। जब तक हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, पॉसिबल है जी, नहीं है, राइट। इसलिए जो फोटो सेल एक डिवाइस, टेक्नोलॉजी, और ये फोटो सेल जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फिजिक्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, राइट। लाइट से इलेक्ट्रिसिटी का बनना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर। सोलर प्लेट भी ले सकते हैं, सोलर प्लेट क्या है, टेक्नोलॉजी, ये किस पे काम करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो सेल क्या है, तो डिवाइस, टेक्नोलॉजी, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर। तो बच्चों
आज का टॉपिक यही रहने देते हैं, आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से रहो और अच्छे स्टडी करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।